नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे ग्राहकों के फायदे की और हम बात करेंगे उन जरूरी मुद्दों पर जिनका सीधा असर एक ग्राहक और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है ग्राहक को जागरूक करना और आज ऐसे ही एक खास मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब हाल ही में HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य कई बैंक और NBFCs और होम फाइनेंसिंग कंपनीज ने अपने होम लोन की दरों में कटौती की थी। ऐसे में लंबे वक्त तक कोरोना की मार झेलने के बाद अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए ये फैसला किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। साथ ही त्योहारों का सीजन भी आ गया है, तो क्या यही सही समय है अपने सपनों का घर खरीदने का? किन चीजों पर लेनदारों को ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें सबसे अच्छी दरों पर लोन मिले? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया के डायरेक्टर धवल अजमेरा और IIFL होम फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर अभिषिक्ता मुंजाल, दोनों ही हमारे साथ है। नमस्ते अभिषिक्ता, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभिषिक्ता, पहले बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो लोन की रेट्स है, अब कम हो गई हैं फिलहाल, क्योंकि RBI ने भी रेपो रेट अनचेंज रखी है। इसमें आपकी कंपनी में IIFL होम फाइनेंस में आपने क्या बढ़त देखी है, मतलब कि लोन बुक में क्या बढ़त देखी है? कितने सारे ग्राहक आए हैं आपके पास लोन्स लेने के लिए? क्या डिफरेंस हुआ है महामारी के बाद? देखिए, अगर हम देखें पिछले ढाई साल से तकरीबन रेपो रेट जो है हर मीटिंग में या तो कांस्टेंट रख रही है सरकार या कम कर रही है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी क्रंच ना हो। देखा जाए तो मई 2020 में 4% का रेपो रेट हुआ था और उसके बाद से वही कांस्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स ना बढ़ने की वजह से हाउसिंग इंडस्ट्री में पिछले 12 से 15 सालों का मेरे ख्याल से ये लोएस्ट रेट्स चल रहे हैं। मुझे जहां तक याद आता है अपने करियर में, मैंने 2005-06 के आसपास 6.9 के आसपास का तकरीबन फ्लोटिंग रेट देखा था। उसके बाद ये नंबर्स मैंने नहीं देखे जो कि हम अब देख रहे हैं। तो कोविड की पहली वेव के बाद जैसे लॉकडाउन हुआ, पूरी इकोनॉमी में बहुत इश्यूज आए, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थी, तो गवर्नमेंट ने काफी इंटरवेंशंस की, मॉरेटोरियम लाए, ECLGS, रीस्ट्रक्चरिंग, इन सारी चीजों से सिचुएशन बेटर ऑफ हुई। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कोविड में थोड़ा कंट्रोल इंडिया में आ गया है, टचवुड थिंग्स आर बेटर। और तकरीबन मेरे ख्याल 200 दिन के आसपास के बाद कुछ ऐसा होगा कि 20,000 से नीचे नंबर गए हैं नए फ्रेश केसेस कोविड के। तो ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, कोविड से हम बेटर ऑफ हो गए हैं। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कम हुआ, GST कलेक्शन बढ़ने लग गई है, PMI इंडेक्स या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंडेक्स ये सबसे पहले से बेटर ऑफ हो रहे हैं, अपराइज हो रहा है इनमें, तो इससे यही दिखता है कि इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही है, लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो रही है। इसके अलावा एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो काफी अहमियत लोगों को उसकी वजह से अपने घरों की आ गई है। जिनके पास छोटे घर हैं उन्हें जरूरत लग रही है थोड़े बड़े घर लेने की, बच्चों की स्कूलिंग घर से है, वर्क फ्रॉम होम लोगों का घर से चल रहा है, तो उनको अलग अलग सेपरेट रूम्स चाहिए। जिनके पास अपना घर नहीं है उनको लग रहा है कि घर लिया जाए, तो उस तरह से एक रिक्वायरमेंट, एक डिमांड जो है वो घरों की भी आ रही है। साइमल्टेनियसली स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस की बीच में, काफ़ी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये भी स्टेप्स लिए, और बिल्डर्स ने भी डिस्काउंटिंग स्कीम्स लाए, वो लोग भी उससे भी पीपल आर अट्रैक्टेड। सो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी में एक रिक्वायरमेंट आई, एक डिमांड आई। एंड अभी अगर हम सिबिल का एक डेटा है उसको हम देखें, व्हाट दे हैव पब्लिश्ड, कि जब आपका सेकंड वेव के टाइम पे होम लोन इंक्वायरीज में काफी गिरावट थी, जो
अप्रैल वर्सेस अगर हम जून देखते हैं तो जून में तकरीबन 55% से वो बढ़ी है वापस इंक्वायरीज, जिसका मतलब ये है कि लोग वापस से इस चीज में जाना चाह रहे हैं कि इंक्वायर कर रहे हैं लोन के लिए और लोन लेना चाह रहे हैं ताकि वो अपना घर खरीद पाए, अपने सपनों का घर ले पाए। तो मेरा ये मानना है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लोगों की जो जरूरतें हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो गिरावट आई है और कोविड का प्रभाव कम हुआ है, इन सारी चीजों से होम लोन में क्रॉस इंडस्ट्री बढ़त हुई है। एंड ऑब्वियसली सारे के सारे प्लेयर्स उसका पार्ट हैं। हम लोगों को भी दिख रहा है कि हमारे पास भी कस्टमर्स की काफी रिक्वायरमेंट है, मतलब इट्स लाइक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हम भी देख रहे हैं ऑन मंथ ऑन मंथ डिसबर्समेंट्स, एंड दैट्स लाइक अक्रॉस इंडस्ट्री हमें ये चीज दिखी है। तो अभिषिक्ता, अगर बात करें कंज्यूमर्स की, आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन्हें जो घर खरीदना चाहते हैं, कि वो किस तरह से अपने लोन लेने के प्रोसेस को और फास्ट और स्मूथ बना सके? क्या कुछ स्टेप्स, कुछ कदम वो उठा सकते हैं जिससे उनका लोन एक तो फटाफट हो जाए, क्योंकि अगर अभी खरीदना है, फेस्टिव सीजन भी चालू है, तो उन्हें अच्छे रेट्स पर घर मिल सकते हैं? देखिए, इंडिया में जो घर खरीदना है बहुत एक अहम बात है। घर को हम मंदिर की तरह मानते हैं और ना कि सिर्फ एक ईंटों से बनी हुई रहने की जगह, और हर हिंदुस्तानी की इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के लिए घर बनाए। उसने काम करना शुरू किया, पैसे कमाए, जोड़े, सेविंग्स की, उसको वो यूटिलाइज करे अपना घर खरीदने के लिए। लेकिन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स व्हेन यू हैव वर्क्ड, आपने एक डिसेंट सेविंग कर ली है, उस सेविंग के बाद आपको लगता है कि अब मेरे पास सफिशिएंट है कि मैं घर खरीदने के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और तब आप सोचते हो कि अच्छा मेरा बजट एक्स है, उस बजट तक मैंने जाना है, तो बाकी बैलेंस जो है मेरे पास लोन से आएगा। तो लोन लेने की आपके बेसिकली दो चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं या जो लेंडर्स देखते हैं। एक होता है आपका इनकम के बेसिस पे, जितना आप अर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस के बेसिस पे आप कितना लोन ले सकते हैं। तो जब आप लोन लेने के लिए जाएं तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लेंडर दे रहा है, आपको जो है कितनी डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, आपके खुद के पास कितने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, आपका लेंडर डिजिटल है या नहीं है, कितनी जल्दी वो आपको लोन दे सकता है नहीं दे सकता, क्या आपकी प्रॉपर्टी वहां पर अप्रूव्ड है या नहीं है। ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि आपको देखनी होती हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आपको ऐसे लेंडर के पास जाना चाहिए जो कि डिजिटल हो, वो डिजिटली प्रोसेस करता है लोन को, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, क्योंकि वो आपके पास कस्टमर के पास जब वो पहुंचता है सेल्स वाला बंदा, तो वो उसी टाइम पे ही आपको डिजिटली बता सकता है कि आपको लोन कितना मिल सकता है, और आपको मालूम पड़ जाता है कि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इतनी मेरी एलिजिबिलिटी है, इतनी मेरे पास सेविंग है, तो मैं इतना मेरा बजट बन सकता है प्रॉपर्टी खरीदने का। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है आपकी, तो उस सिनेरियो में तो आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है। अगर आप डिजिटल लेंडर के पास जाते हैं तो आपको पहले ही मालूम पड़ गया कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है इनकम पे, आपने प्रॉपर्टी पेपर्स दिए, आपकी वैल्यूएशन हो जाती है, उस वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको मालूम पड़ जाता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू के बेसिस से मेरा लोन कितना बनता है। अब दोनों के ही कॉम्बिनेशन से फाइनल लोन अमाउंट निकलता है। तो इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस तो फास्टर प्रोसेस हो जाता है। तो मेरा ये मानना है इसमें कि आपको अगर क्लियर है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप क्या चाहते हैं, आप आरओआई पे जाना चाह रहे हैं या फास्टर प्रोसेसिंग चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे आप सबसे पहले अपना लेंडर चूज कीजिए। आपने अपना लेंडर चूज करके आपने वहां पर अप्लाई किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने एक ही बारी में दी जो उनको चाहिए,
जिससे कि आपके पास क्वेरीज ना आए, एंड मिनिमम क्वेरीज के साथ आपका जो लोन है वो फास्टर प्रोसेसिंग हो सकती है। जी अभिषिक्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब आपसे जो लोन कंपनी है उससे बात होगी, अब मैं एक बिल्डर से बात करूंगा। हमारे साथ है धवल अजमेरा। धवल जी, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी महामारी के बाद आपने कैसा डिमांड देखा है ग्राहकों की ओर से, क्या इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने प्रोजेक्ट्स में, लग्जरी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं या अफोर्डेबल होम्स, आपकी क्या राय है? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा ये मानना है और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे पैंडेमिक में और ये महामारी में, जो हमने देखा कि लोगों को एक घर की अहमियत बहुत ही अच्छे से समझ आई है। लोगों को पता चला है कि भाई सोना, शेयर्स या जो भी मेरे अदर इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड है, वो मेरे पास पैसे दे देंगे। पर अगर जैसी ये महामारी आई जहाँ पे मेरे को घर में बंधा रहना पड़ा था, मेरे को 3 महीना 4 महीना घर के अंदर रहना पड़ा था, अगर मेरे पास घर ही नहीं होगा तो कुछ भी पैसे हो मेरा क्या फायदा है। तो डेफिनेटली लोगों को एक घर की इम्पोर्टेंस समझ में आई है और वो इम्पोर्टेंस के कारण लोगों ने अपना डिसीजन जो घर लेने का है बहुत ही फास्ट लेना शुरू करा है, और उसकी वजह से आप ये पूरा टर्न अराउंड देख रहे हैं जिसको इकोनॉमिक अपने पूरे इकोनॉमी में भी इसकी असर दिख रही। तो अगर आप घर की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, और हमारा जो सेल्स हमने देखा है, हमारा एक प्रोजेक्ट है अजमेरा आइलैंड करके वडाला में मुंबई में, उसके अंदर हमारे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स थे जो हमारा लकीली जस्ट महामारी के पहले हमारा बिल्डिंग रेडी हुआ था। तो हमने उसके ऊपर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स के ऊपर काफी अच्छी इन्वेंट्री और मोमेंटम देखा, और हमने ये भी देखा कि ये मोमेंटम जो लास्ट ईयर 2020 में काफी रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हमारे जो एक्सपीरियंस से गए, और जो हमने नए लॉन्चेस किए थे वो नए लॉन्चेस हमारे 2021 में हमने 3 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च किए थे, एक बॉम्बे में, एक वडाला में, एक घाटकोपर में और एक बैंगलोर में, और तीनों में हमने वो मोमेंटम देखा। सो हमारा ये कहना है कि प्राइमरीली जिसका बजट है और जो है वो एक आदमी ने अपना अपग्रेड डेफिनेटली किया है, जो 2 बेडरूम है वो 3 बेडरूम में गया है और 3 बेडरूम 4 में गया है वैसे, बट उसके अलावा लोगों ने डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी रेडी टू मूव इन पे ली है, और सेकेंड प्रायोरिटी पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे एक अच्छा ऑफर पे एक प्रतिष्ठित डेवलपर का मिलता है जो ब्रांडेड है, जिसने डिलीवरी की है, उसके ऊपर वो लोग ज्यादा बेट करके प्रोजेक्ट पे अपार्टमेंट्स बाय कर रहे हैं। जी, लेकिन धवल, आपके हिसाब से अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई और फेस्टिव सीजन भी है, तो क्या यही सही समय है घर खरीदने का? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा आप ये एक देखिए कि घर, जैसे मैडम ने भी पहले बताया कि घर एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन है लोगों का, और ये इमोशनल डिसीजन पूरा इंडिया के लिए है। मतलब आज हम कुछ भी करें डेफिनेटली अपना एक घर लेना चाहिए। जो मिलेनियल्स, जो आज के यंगस्टर्स है, शायद उनको ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बट कोविड के कारण ये इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया जैसे मैंने पहले कहा, और वो वही इमोशनल डिसीजन के कारण लोगों को होम बाइंग करना चाहिए। और वो होम बाइंग का ये सारा जो आज के तारीख में जो ये फैक्टर्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, कई स्टेट राज्यों ने, जैसे कर्नाटका ने अभी स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन दिया, गए साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, ये सारे एक पुश मिलते हैं लोगों को घर बाय करने के लिए। और डेफिनेटली आज के तारीख में जो आरबी, जो गवर्नमेंट की तरफ से या फाइनेंस की तरफ से होम लोन में जो इतनी अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल रही है, बहुत ही अच्छा, फायदेमंद है, और लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। जी धवल जी, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कंज्यूमर इज किंग पर बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ। आपका कंज्यूमर इज किंग पर, मेरा नाम है सुमित लखोटे, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज के शो में मेरे साथ दो बहुत ही खास गेस्ट्स हैं। एक है धवल अजमेरा, जो डायरेक्टर है अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया के, और साथ ही हैं अभिषिक्ता मुंजाल, जो चीफ रिस्क ऑफिसर है IIFL होम फाइनेंस पे। अभिषिक्ता जी, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो क्रेडिट स्कोर है वो ज़रूरी तो है, लेकिन ग्राहक क्या कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 650 के ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है।
जी बिल्कुल. वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्कोर रेट्स रखता है, बट एवरेज जो है वो हाँ 650 माना जाता है. तो जब हम लोन देते हैं तो लेंडर सबसे पहले देखता है, एक एंट्री क्राइटेरिया होता है उसका क्रेडिट स्कोर. तो ये पूरे अंडरराइटिंग में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है. क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपका जब रिपोर्ट आती है तो आपकी आज तक की क्रेडिट हिस्ट्री देता है कि आपने कितने लोन लिए हैं, कहाँ से लिए हैं और आपकी रीपेमेंट कैसी रही है. उसके हिसाब से एक एल्गोरिदम चलता है और एक क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है. तो कोई भी लेंडर इंटेंशनल डिफॉल्टर तो नहीं चाहता अपने बुक्स में, इसलिए क्रेडिट स्कोर का एक कट ऑफ लिया जाता है और उससे नीचे वाले लोगों का लोन जो है वो नहीं होता. अगर आपको लोन मिल गया, आपने लोन ले लिया है, तो अपना क्रेडिट स्कोर बेटर रखने के लिए आप अपनी रीपेमेंट्स रेगुलरली कीजिए. अभिषिक्ता जी, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए आपके पास और फिर धवल जी के पास मैं क्विकली फटाफट आऊँगा. आपकी क्या राय है अगले 4-6 महीने में रियल एस्टेट मार्केट लोन्स का लोन रेट? अभिषिक्ता जी आपसे पूछूंगा, लोन रेट्स की क्या राह होगी आगे, आपको क्या लगता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डर की सही पहचान करना बहुत ही जरूरी है आज के ग्राहकों के लिए. दो तीन चीजों से उनका आप एक तुलना कर सकते हो. जैसे मैं बताता हूँ, एक तो हिस्ट्री ऑफ द डेवलपर, के आज वो डेवलपर ये प्रोजेक्ट या ये फील्ड में कितने सालों से है, उनकी डिलीवरी कितनी हुई है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कितने फ्लैट्स बनाए हैं. और आज जैसे कि इंटरनेट का जमाना है और ये पूरे ऑनलाइन का जमाना है, आज उसके रिव्यूज ये सारे प्रोजेक्ट्स के बोलो या जो भी अपार्टमेंट्स के बोलो या बिल्डर के बोलो, काफी ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए. और चौथा जो है, आज वो प्रोजेक्ट्स जितने मेन इम्पोर्टेंट है कि वो डेवलपर ने डिलीवरी कितनी की है, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उससे ही उनका अनुमान आप लगा सकते हो कि ये प्रोजेक्ट में जितने वो बता रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे. सो आई थिंक दीज आर द 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच इज बहुत ही जरूरी है कस्टमर को एक डेवलपर सिलेक्ट करने के लिए. और डेफिनेटली उनकी लोकेशन और प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो लोकेशन देखे, प्लानिंग देखे, अमेनिटीज देखे, बट हिस्ट्री और परफॉर्मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगले 4-6 महीनों में आपको क्या लगता है रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या रुख लेगा मार्केट? जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मार्केट में डेफिनेटली चढ़ाव आएगा. डिमांड काफी है और लोगों ने जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुली बिक रहे हैं. सो डेफिनेटली मार्केट इज लुकिंग गुड. और ये अगले 6 महीने में फेस्टिव सीजन जो आ रहा है वो एक इमोशनल डिसीजन और भी इसको सपोर्ट करेगा और उससे मार्केट में काफी मूवमेंट दिखेगा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, बढ़ने की उम्मीद तो नहीं लगती है. कहीं ना कहीं कंसिडरिंग की ओवरऑल इकोनॉमी में पंप्ड इन है फ्रॉम आरबीआई साइड मॉनेटरीली, तो कहीं ना कहीं ये है कि इसके ज्यादा तो नहीं जाएगा, या इतना रहेगा या इससे रिड्यूस ही होगा, बिकॉज हमें ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करना है एंड आरबीआई इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद धवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषिक्ता जी. आज के इस शो में, कंज्यूमर इज किंग में, इतना ही हमने जाना कि अब जब होम लोन रेट्स कम हो गए हैं तो क्या सही समय है घर खरीदने का. और हमारे एक्सपर्ट्स दोनों, जो धवल अजमेरा है, डायरेक्टर अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया के साथ, और अभिषिक्ता मुंजाल जो है चीफ रिस्क ऑफिसर IIFL होम फाइनेंस के साथ, इन्होंने अपनी राय बताई. और मेरी उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप ET Now स्वदेश के साथ.